पेज नंबर 27, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय कॉलम ऑपरेशन। वी विश टू फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो सबसे पहले आप ए इक्वल टू पुट अप करेंगे ए इंटू आई। रो ऑपरेशन में क्या पुट अप करते हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक, तो कॉलम ऑपरेशन में यहां पर इस ए को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में। तो ए को जब आप कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में, तो यहां पर ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स मिलेगा बी। तो आई इक्वल टू ए बी, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें, इसको ए कॉन्सिडर किए, हम रो ऑपरेशन यूज करें, इस कारण ए इक्वल टू यूज करेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक, हमने ए को लिखा यहाँ पे, यहाँ पे ए के प्लेस में पुट अप करेंगे, यहाँ पे आई पुट अप करेंगे और ए के प्लेस में ए ही रहेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट अप नहीं करना आपको। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा कि ये जो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है यूनिटी में कन्वर्ट करना, वन में, ओनली बाय डिविजन, और कोई प्रोसेस से नहीं करना आप। तो ये इसको यूनिटी में कन्वर्ट करके इसको जीरो करना है फिर आपको। तो पहले देखो, हमने इसको यूनिटी में कन्वर्ट किया बाय डिवीजन ऑफ टू। इस रो को हमने टू से डिवाइड किया, हमने लिखा आर वन, आर वन बाई टू, मतलब ये रो को टू से डिवाइड किया, मीन्स टू बाई टू वन, थ्री बाई टू वन, बाई टू जीरो। ठीक, इस वन के हेल्प से इस फोर को जीरो करना है, और कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है आपको। तो क्या करेंगे, आर टू में इसको फोर से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आर टू में ऑपरेशन स्टार्ट होगा आर टू माइनस फोर आर वन, मतलब ये फोर से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो ये वन, पहला रो सेम लिखेंगे वन, थ्री बाई टू, वन बाई टू जीरो, इसको फोर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया जीरो। यह आ गया सेवन माइनस फोर थ्री बाई टू, ये लिखा है आर टू मीन्स सेवन माइनस फोर, थ्री आर वन मीन्स थ्री बाई टू। अगेन यहाँ देखें आर टू मीन्स जीरो माइनस फोर, आर वन मीन्स वन बाई टू। फिर ये ऑपरेशन यहाँ पे आर टू में अगेन देखिए, आर टू मीन्स वन माइनस फोर इंटू जीरो जो किए रहा, सिंप्लीफाई करें वन, थ्री बाई टू इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा वन, चेक करें आप लोग। फिर ये सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस टू। अब ये टर्म्स यूनिटी में रहना चाहिए, तो ऑलरेडी यूनिटी में है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि यूनिटी में नहीं रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे फाइव होता तो हम इस पूरे रो को क्या करते, फाइव से डिवाइड करते। ये ऑलरेडी वन है तो इस वन के हेल्प से इस प्लेसेस को जीरो करना है, तब यूनिटी में कन्वर्ट होगा। तो क्या ऑपरेशन चलेगा, आर वन में आर वन माइनस थ्री बाई टू आर टू, इसको थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब ये जीरो होगा। देखो यहाँ पे आया आर वन माइनस थ्री बाई टू आर टू, तो ये देखिए आर वन में चल रहा है, आर वन मीन्स वन माइनस थ्री बाई टू जीरो जो कि ये रहा। अब ये देखिए आर वन मीन्स थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू और ये हो गया आर टू, आर टू मीन्स वन। सेम वैसे यहाँ पे भी करें सेकेंड वाले में, आर वन मीन्स वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू आर टू, आर टू मतलब माइनस टू, ये रहा आपका। ठीक, और यहाँ पे स्पेस नहीं है, कारण थोड़ा नीचे लिखाऊँ, ये देखो आर वन मीन्स जीरो माइनस थ्री बाई टू आर टू, आर टू मीन्स वन जो कि ये रहा, आप देख सकते हैं। सेकेंड रो तो सेम रहेगा इंटू ए, ये देखिए ए है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया जीरो और ये हो गया वन बाई टू प्लस ये टू टू कैंसिल हो गया थ्री और ये हो गया आपका माइनस थ्री बाई टू माइनस टू और ये वन। सॉल्व करेंगे सेवन बाई टू, ये हो गया माइनस थ्री बाई टू। ये देखो आइडेंटिटी आ गया, तो न्यू मैट्रिक्स जो बना है वो आप लोग पुट अप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बी है और ये आपका हो गया। देखो बी इज कॉल्ड, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए।